नमस्कार, बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नागपुर के वाड़ी एरिया में पानी की भारी किल्लत से लोगों में रोष का माहौल। भीषण गर्मी से परेशान वाड़ी यहां के लोगों को पानी तक की सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक बीते 8 महीनों से वाड़ी के रामबाई नगर स्थित स्थानीय लोगों को इतनी भीषण गर्मी में भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक वाड़ी स्थलीय लोगों को जहां से पानी सप्लाई किया जाता है वहां सूखा पड़ने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब स्थानीय लोगों से एमएनएस न्यूज ने बात की तो उन्होंने बताया कि करीब 8 महीने से उन्हें पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। गौरतलब है कि हर 8 से 10 दिन बाद वहां पानी के टैंकर से लोगों को राहत पहुँचाई जाती है, लेकिन अब टैंकर की देरी से भी लोगों में भारी रोष निर्माण होता दिख रहा है। आइए जानते हैं वाड़ी के लोगों का इस पर क्या है कहना। कब से पानी नहीं आ रहा? अभी 6-8 महीने हो रहे दिवाली से। आपने इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत तो कर रहे हैं इतना, हम शिकायत तो चल रहा है इतना पानी के बारे में। 15-15 दिन टैंकर नहीं आ रही इधर। हम लोगों को पानी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। पानी की वजह से हम इतना परेशान है, इतने परेशान है कि हम खाना छोड़ देंगे लेकिन पानी नहीं छोड़ेंगे। रात रात पानी भर दिया हमने। आपने शिकायत की है तो उसका वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है? कोई पानी देते हैं ना? पानी तो दे रहे हैं लेकिन बहुत कम दे रहे हैं, जितना चाहिए उतना पानी नहीं मिल रहा है। बस हमारी इतनी मनोकामना है कि पानी बढ़ा दो। जैसे हफ्ते में या 15 दिन में आता है तो हफ्ते में भेजो, या हफ्ते में 2 बार भेजो, 15 दिन में 2 बार भेजो। तो पानी हर दिन नहीं आता है यहाँ पे? हर दिन नहीं, अभी 10 दिन हो रहे हैं। आज का 10वां दिन, आज का 10वां दिन में नहीं आया था। जो बाबा साहब का पुतला है ना रोड के ऊपर, वहाँ पर मजदूर सफाई हो गई, इधर हो रही, इधर आते नहीं पुतला लेते और वहाँ पे पुलिस स्टेशन और जेल खाने में हो जाते, रुश्वत खा रहे और आदमी जेल में बंद होते। एक आधा बोला हमारे तरीके से बोला, नहीं क्यों बोला, ऐसा क्यों बात किए, ऐसे बोल रहे हैं क्या करेंगे? बेघर पानी से मरेंगे क्या पब्लिक के छोटे छोटे बाल बच्चे? अरे बाल छोटे छोटे बच्चे बोरिंग पे जाते हैं और हाफसी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे बोरिंग को भी पानी नहीं है, बोरिंग को हाफसी को पानी नहीं है, फिर क्या करेंगे पब्लिक? तबियत खराब हो तो मोदी एकांदा सरकार दवाखाना बोला क्या करेंगे? एक वर्ष झालं पाण्याचा पत्ता नाही आमच्या आपको कहाँ जाना पड़ता है पानी लाने के लिए? अगर पानी नहीं आता है तो यहाँ से कितनी दूर है? 5-6 किलोमीटर। वहाँ से आपको पानी लाना पड़ता है? हाँ। वो भी खरीद के? वो भी खरीद के 15 रुपए ड्रम, सॉरी 25 रुपए 30 रुपए ड्रम लेते हैं। ऐसा रोज करना पड़ता है क्या? हाँ, जब जब पानी लगता है तब कभी आना ही पे गाली से। वो जा रहे राजे जंगल के भाई, पानी में मेरा लड़का ऐसा कर रहा है, वो लोग उसके सर भनगड़ाने। कौन कौन? राजे जंगल। क्या बोल रहे हैं वो? उनके यहाँ जब पानी नहीं आता ना उनके यहाँ जाते सब पब्लिक राजे जंगल के यहाँ। पानी मिलता है फिर वहाँ पे? पानी नहीं मिलता, क्या जाते हैं लोग पब्लिक जा रहे हैं उनके यहाँ। तो वो क्या बोल रहे हैं? उनके यहाँ का पानी क्यों नहीं आता, टैंकर क्यों नहीं आता करके ये बात बोल रहे हैं। नगर सेवक है ना? हाँ, क्या जाते हैं नगर सेवक है इसलिए जाते उनके। ऐसी ही एक समस्या नागपुर के जैताला की भी है। जैताला के फातिमा चर्च परिसर में पानी की किल्लत से नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां OCW शहर में 24 घंटे जलपूर्ति करने का दावा करती है, लेकिन जैताला की कुछ बस्तियों में 2 दिन में केवल एक बार ही जलापूर्ति की जा रही है। कहने के लिए इस परिसर के आसपास से मेट्रो दौड़ने वाली है, लेकिन आज भी यहां की जलापूर्ति की स्थिति सुधारी नहीं गई है। नागरिकों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। घरों से पानी नहीं आने के कारण नागरिकों को टैंकर का सहारा लेना पड़ रहा है। नागरिकों का कहना है कि उनके घर के बाजू से ही नाला गुजरता है। नाले के किनारे पर रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। नाले के किनारे रहने वाले नागरिकों की जान किसी भी समय जा सकती है।
कई वर्षों से नाग नदी की सुरक्षा दीवार बारिश के पानी के बहाव से टूट चुकी है। गत वर्ष की भारी बारिश में सुरक्षा दीवार नहीं बनाने के कारण लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। वनपाक ने दीवार का निर्माण करने की बजाय नाले पर टीन लगा दिए हैं। कई बार नगर सेवक को नाले की सुरक्षा दीवार की मरम्मत के लिए शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्य नहीं किया गया। इसके अलावा शहर की विभिन्न कॉलोनियों व बस्तियों से गुजरने वाले दर्जनों बड़े बड़े नालों की सफाई की केवल खानापूर्ति की जा रही है। इसका उदाहरण नंदनवन झोपड़पट्टी जम्बूदीप नगर नाला, यह नाला अयोध्या नगर महालक्ष्मी नगर व अन्य पॉश कॉलोनियों के बीच से होकर गुजरती है। कई वर्षों से बस्तियों से गुजरने वाली नालियों की सफाई नहीं की गई है। नाले में झाड़ियों के बढ़ जाने से बारिश का पानी निकासी में बाधा निर्माण होती है, जिससे नाले में से गंदा पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घर में घुस जाता है। जेसीबी लगाकर गाद निकालने का कार्य ही नहीं किया गया है, जिसके चलते यहां फिर बारिश में कहर बरसाने वाला है। तो दूसरी ओर शहर के नागरिक जल संकट की मार से पानी के लिए दर दर भटकते रहे हैं। वहीं ये एरिया में OCWE की लापरवाही से हर दिन हजारों लीटर पीने का पानी सड़क पर बह रहा है। यह नजारा सियोग नगर चौक पर देखा जा सकता है। यहां से गुजर रही मेन पानी की पाइपलाइन पर लगे वाल्व से पानी का फोर्स ज्यादा हो जाने पर लगभग हर दिन हजार लीटर पानी गटर में बह रहा है। लगभग पिछले एक सप्ताह से भी अधिक समय से पानी की पाइपलाइन लीकेज पड़ी है, जिससे रोजाना हजार लीटर पानी सड़क पर बह रहा है। इस कारण आसपास के परिसर में जलापूर्ति होने में बाधा निर्माण हो रही है। पाइपलाइन से निकल रहा पानी जमा होने से स्थानीय व सड़क से गुजरने वाले नागरिकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी ने बताया कि सड़क के सीमेंटीकरण के बाद ही पानी की पाइपलाइन पर नया वॉल्व फिट किया गया है। बावजूद इसके सुबह और शाम के दौरान करीब 2 से 3 घंटे तक हर दिन हजार लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। हालांकि लीकेज को सुधारने के लिए OCW के कर्मचारी आते हैं, अपना काम कर रवाना हो जाते हैं। उसके बाद कुछ दिन वाल्वों से थोड़ी भी पानी लीकेज नहीं होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में परिस्थिति जस की तस हो जाती है। कई बार इसकी शिकायत करने के बाद भी कर्मचारी काम चलाओ काम करके चले जाते हैं। कई बार तो रात भर पानी सड़क पर बहता रहता है। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।